तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। मतदान के दौरान बलवा करने वालों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस लाइन के मैदान में बलवा करने वालों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया है। पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय के निर्देशन और मोरी में अपर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में रविवार को पुलिस लाइन के मैदान में पुलिस कर्मियों ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पुलिस लाइन के मैदान में 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों सादा कपड़ों में बलवा करने और बल वायु वेशभूषा को छोड़ दिया गया। दंगा करने वालों के हाथों में डंडे और कटीली झाड़ियों से लेस कर दिया गया। दूसरी तरफ पुलिस के जवान भी मुस्तैद कर दिए गए। पुलिस के जवानों के हाथों में भी लाठी डंडे और आंसू गैस रबड़ की गोलियां छोड़ने वाले आधुनिक हथियार दे दिए गए। इसके बाद सादा कपड़ों में छोड़े गए पुलिस कर्मियों ने बलवारी बंद कर हंगामा करना शुरू कर दिया। बलवा और दंगा होने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सतर्क हो गई। बलवा शांत करने के लिए पुलिस की टीम जैसे ही पहुंची, दंगाइयों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इसके बाद भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर बलवा करने वालों को धरना शुरू कर दिया। आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाई। पुलिस की बढ़ती संख्या देखकर बलवा करने वाले लोग भाग खड़े हुए। लोकसभा चुनाव में बलवा करने वालों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में किए गए अभ्यास अराजक तत्वों के हौसले पस्त होते दिखाई दिए हैं।